नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पी एंड सी मूवीज में। तो चलिए आप सभी को आज की जो ताजी न्यूज है वह देते हैं। यहाँ पे हम सिम्बा मूवीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो कि सिम्बा मूवीज का जो कलेक्शन आ चुका है, अब वो पूरे वर्ल्ड वाइड की कलेक्शन कितनी हुई है और यहाँ पे इंडिया की कलेक्शन, उसके बारे में सभी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब सिम्बा मूवीज का जो कलेक्शन आता है डे बाय डे, वह मात्र 80 लाख 90 लाख 50 लाख 60 लाख ऐसे होते हैं। मतलब 1 करोड़ की भी कलेक्शन अब नहीं होती है दिन में, बट कलेक्शन पूरा इसका लाइफ टाइम बहुत ही गजब हुआ। ब्लॉक बूस्टर मूवीज हो चुके हैं, 2018 के तीसरे स्थान पे आ चुके हैं दोस्तों। तीसरे स्थान पर यह मूवीज आ चुकी है ब्लॉक बूस्टर के लिस्ट में, मतलब कि हाईएस्ट ग्रोसिंग के लिस्ट पे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर है रोहित शेट्टी। इस फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म के लीड रोल में काम किए हैं रणवीर सिंह, सारा अली खान, और यहाँ पे काम किए हैं गुंडे में सोनू सूद। तो यहाँ पे हम चलिए इसका कलेक्शन जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे अभी पूरे यहाँ पर इस फिल्म का पहले तो बजट बता दे, 80 करोड़ रुपया इस फिल्म की बजट है, जहाँ की अभी 80 करोड़ की फिल्म 450 करोड़ करने वाली है कलेक्शन। तो यहाँ पे हम बात करें इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, तो अभी 395.97 करोड़ हो चुका है। 395.97 करोड़ की कलेक्शन टोटल अब तक कर चुकी है। यहाँ पे हम देखें तो 400 करोड़ के क्लब में वर्ल्ड वाइड पहुँचने वाली है और बहुत ही जल्द पहुँच जाएगी। और यहाँ पे हम पहला दिन का कलेक्शन बात करें तो इंडिया में 20.72 करोड़ की कमाई की थी, तो 20.72 करोड़ की कमाई की थी पहले दिन। और यहाँ पे हम बात करें पहले वीक की कलेक्शन, वीकेंड की, यहाँ 3 दिन की वीकेंड होती है, उसी कलेक्शन आई है 75.11 करोड़ रुपये। जिस तो पहले जो वीकेंड में कलेक्शन की थी यहाँ पे 75.11 करोड़ की कमाई की थी। और यहाँ पे पहला वीक जो 7 दिन में टोटल कलेक्शन होता है, वहाँ 7 दिन में यह फिल्म 150 करोड़ रुपया पार कर ली थी। जिस तो 150 करोड़ 81 लाख की कमाई की थी पहले वीक में। और यहाँ पे दूसरे वीक की कलेक्शन आई है जिस तो 61 करोड़ रुपया दूसरे वीक में, पूरा वीक में 61 करोड़ की कमाई की। और तीसरे वीक में 20.6 करोड़ की कमाई की है, जिस तो 20.6 करोड़ की कमाई की। और यहाँ पे चौथे वीक में यहाँ पे 4.73 करोड़ की कमाई की है, जिस तो 4.73 करोड़ की कमाई की। और यहाँ पे पूरे इंडिया में पूरे अभी तक 236.32 करोड़ की कमाई की है, जिस तो 236.32 करोड़ की कमाई की। और यहाँ पे 23 दिन में ही 300 करोड़ पार कर ली थी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जिस तो 23 दिन में ही 300 करोड़ की कलेक्शन पार की थी। और यहाँ पे और बता दें कि आप सभी को कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी चली है। और यहाँ पे हम बात करेंगे आगे की बारे में, तो आप सभी समझ सकते हैं इस फिल्म का कलेक्शन इतनी गजब है। और रणवीर सिंह की यह पहली फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बन चुकी है, जिस तो यहाँ पे कम बजट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म पहली बनी है यहाँ पे रणवीर सिंह के पूरे जिंदगी में। और रणवीर सिंह का सपना भी पूरा हो चुका है, जो कि इनका सपना था कि मैं भी एक मतलब बहुत ही अच्छा से एक वर्ल्ड वाइड में कमाई करूं। तो ये पद्मावती इसे ज़्यादा कमाई की है, बट यहाँ पे पद्मावती का बजट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, लंबी होती है, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।